एंड हैबिटेट। तो गीता जी, आप जहाँ पे रहती हैं वहां पे किस किस टाइप का घर है? मैम, मेरे यहाँ तो हिंदी में अगर बोले तो कच्चा मकान और पक्का मकान, अच्छा, और वो जो बांस वाला जो होता है वो है, तीन टाइप से है तो आपके मेरे यहाँ यहाँ। नॉर्मल तापमान रहता है या गर्मी होती है या ठंड भी बहुत होता है, ऐसा कुछ है क्या? मतलब जो टेम्परेचर होता है आपके यहाँ, बहुत गर्मी तो नहीं होती ना? नॉर्मल टाइप का टेम्परेचर रहता हाँ, तापमान नॉर्मली वहां रहता है। सब? हाँ, तो किसी हमारे जरूरत में प्राथमिक जो हमारी जरूरतें हैं किसी भी मनुष्य की, सबसे पहले तो भोजन है, उसके बाद कपड़ा है, और उसके बाद हम मकान का सोचते हैं हर कोई। तो ये हाँ, मकान जो होता है, जिस भी वातावरण जहाँ का रहता है उस टाइप का इंसान मकान बनाता है। अगर गर्मी बहुत ज्यादा है तो वहां पे क्या करते हैं ना, कि ऐसा मकान बनाते हैं जिसकी दीवारें थोड़ी मोटी हो और वो गर्मी को शोषित ना करे, एब्जॉर्ब ना करे, बाहर निकाल दे। जैसे कि रेगिस्तान में जाएंगे तो आपको बालू का आंधी बहुत चलता है, टेम्परेचर 40 डिग्री से ज्यादा रहता है। तो वहां पे ऐसे घर बनाते हैं ना कि जहाँ खिड़कियां वगैरह भी कम हो, दरवाजे धूल की, जो धूल और आंधी चलता है ना उससे बच सके, तो ऐसा घर बनाते हैं, मोटे दीवारों वाला बनाते हैं। हमारे मैदानी इलाकों में क्या करते हैं कि घर जनरली नॉर्मल टाइप का ही होता है, सामर्थ्य के हिसाब से जो जैसा अफोर्ड कर सकता है ना वैसे कच्चा मकान बनाते हैं। गांव देहात में जनरली लोग कच्चा मकान बनाते हैं, अब तो पक्के मकान भी बहुत सारे बनने लगे हैं। तो लेकिन कच्चे वाले मकान ज्यादा अच्छा होते थे, इन्वायरमेंट के हिसाब से ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है वो, गर्मी उसमें कम लगती थी, जल्दी वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देता, मतलब बाहर निकाल देता है, तो गर्मी कम होती थी, दीवारें मोटी होती थी, मिट्टी की दीवारें गर्मी को निकाल देते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते, तो गर्मी ज्यादा नहीं पड़ती है। और ये जो कंक्रीट का दीवार है, मजबूत तो होता है, मैं हर तरह से बचाता है, लेकिन थोड़ा गर्मी एब्जॉर्ब करता है। मकान की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? इसलिए जरूरत पड़ती है कि हम धूप से, गर्मी से बच सके, जानवरों से बच सके, वहां आराम कर सके, और हर तरह का प्रोटेक्शन हमें मिलता है, इसलिए घर की जरूरत होती है। और वो घर हम बनाते हैं जिस वातावरण में रहते हैं उसके हिसाब से। अब जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, जैसे अब बिहार का कुछ इलाका है, दरभंगा का, बहुत बारिश होती है, तो वहाँ बांस का मकान बनाते हैं, बांस का घर मतलब बनाते हैं। अब बांस का इसलिए घर बनाते हैं ना कि बांस बहुत ड्यूरेबल होता है, पानी में वो जल्दी सड़ता नहीं है, और बहुत बाढ़ आने पर भी ना तो घर बह जाता है, इसलिए बांस का बनाते हैं। उसमें खर्च भी बहुत ज्यादा नहीं है, और वो बांस जो है पानी से लोगों को, पानी से मतलब मकान को बचाता है, ज्यादा क्षति नहीं होता, डैमेज नहीं। उसी तरह आप जाएंगे, अगर इधर जाएंगे कश्मीर के तरफ जाएंगे, वहां बहुत ठंड होती है, तो वहां लकड़ी का मकान बनाते हैं, और लकड़ी का जो वो ऊपर का जो छत होता है ना, वो फ्लैट नहीं होता, मतलब समतल नहीं होता, स्लोपिंग होता है, ऐसे बना होता है, कि इसलिए ऐसा होता है कि बर्फ पड़े तो बर्फ उससे फिसल के नीचे आ जाए, तो ऐसा करते हैं वहां पे। और लकड़ी का मकान थोड़ा गर्मी रहता है, हालांकि गर्मी के लिए तो और उनको उपाय करना रहता है, और वहां पे लकड़ी का मकान बनाते हैं या फिर पत्थरों का बनाते हैं। अगर आप आसाम में जाएंगे वहां भी बहुत बारिश होती है, तो वहाँ पानी नीचे काफी लगा रहता है, तो वो मचान करके मचान बना देते हैं, मचान के ऊपर में मकान बनाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि नीचे बाढ़ का पानी रहेगा फिर भी वो चढ़ के जा सकते हैं, और रात में उस सीढ़ी को अपना अंदर ले लेते हैं कि कोई जानवर या कुछ उसमें ना आ सके। तो इतने टाइप के हाँ मकान हो सकते हैं। और कच्चा मकान, पक्का मकान आपने बताया ना, तो कच्चा मकान में ही आता है, जैसे झोपड़ी हो गया, वो एस्बेस्टस वाला घर जो बनाते हैं, मिट्टी का घर हुआ, बांस का घर हुआ, ये सब हुआ। टेंट हाउस भी बनाते हैं रेगिस्तान वगैरह में, जहाँ पे डेजर्ट है वहां पे टेंट हाउस बनाते हैं, वो टेम्पररी टाइप का घर होता है। और ये सब जो हम यस कंक्रीट का घर बनाते हैं, ये सब पक्का घर हो गया, ये बना तो बहुत दिनों तक अपना चलता रहेगा, ये सब पक्का टाइप का घर हो गया। और ये सब अभी, अब शहरों में आप जाएंगे, बड़े बड़े शहरों में तो वहाँ बहुमंजिली इमारतें मिलती हैं, इसलिए क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है और जगह की कमी है,
तो थोड़े से जगह में बहुत सारे ऊंचे ऊंचे मकान बना देते हैं, तो बहुत सारे लोग रह पाते हैं, तो इस टाइप का घर बनाते हैं। और जो हम वातावरण ऐसा होता है ना, वातावरण का मतलब हैबिटेट का मतलब है कि आसपास में जितने लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है या जीवित अजीवित प्राणी है, सजीव निर्जीव आप जो बोलिए, उन सबको मिला के, और वहाँ का मिट्टी कैसा है, कैसी टेम्परेचर है, इन सबको मिला के वातावरण कहते हैं। जैसे पहाड़ों में बहुत सर्दी होती है, तो वहां के जानवर भी उसी तरह अपने बॉडी को बना लेते हैं कि सर्दी सह सके, और वहां के घर भी वैसे बनते हैं। मैदानी इलाकों में है हमारा इधर, कि हमारा उधर के जानवर आदमी घर भी वैसे बनाते हैं अपना, कि वो वातावरण के साथ अपना अडेप्ट कर सके, मतलब सामंजस्य बैठा सके, तो ऐसा होता है उनका। आप रेगिस्तान में जाइएगा तो वहां जो जितने भी पौधे हैं वो नुकीले होते हैं, उनके पत्ते काफी नुकीले होते हैं, इसलिए क्योंकि वो पानी ज्यादा, उनको काफी गहराई से पानी लेना पड़ता है और पानी को ज्यादा निकाल ना सके पत्ते, इसलिए पतले पतले पत्ते होते हैं और बहुत घने नहीं मिलेंगे। मैदानी इलाकों के पौधों को देखिएगा, बहुत ज्यादा घने होते हैं। इससे जहाँ बहुत बारिश होती है ना, तो सूर्य की रोशनी जो है सनलाइट, वो जल्दी नहीं आ पाता है, बहुत अच्छे से नहीं आ पाता है, तो काफी ऊंचे ऊंचे तक जाते हैं वहां के पौधे, लेकिन लाइट के लिए जगह पे रखते हैं ऐसे। तो गीता जी, आप और कुछ बताइए, आपके तरफ कैसा वातावरण है, कैसे घर बने हुए हैं? यस मैम, हमारे तरफ वही है कि कंक्रीट वाले जो घर हैं वो बने हुए हाँ हैं, और साथ में वही मिट्टी और न्यू बेस में जो है पत्थर देके, और हाँ मिट्टी और आपका पत्थर वाला दीवार तैयार होता है, और ऊपर पे वो उसको खपरेल जो बोला जाता है वो वाला भी हाँ घर इधर हमारे तरफ मिलता है, और वो टेंट वाला है, कुछ लोग टेंट वाला भी घर है, वो उस पे रहते नहीं है, बेसिकली बोला जाए तो टेंट वाले घर पे वो लोग रहते नहीं है, लेकिन अब हमारे जैसे ग्रामीण इलाका है तो जीव जंतु जो पले हुए हैं तो वो लोग को रखते हैं उस पे। अच्छा, टेंट वाला घर भी अल्बेस्टस आपके तरफ ही है? आपका वो अल्बेस्टस वाला जो होता है वो भी मकान हमारे यहाँ मिलते हैं। अच्छा, तो ये सब आपका कच्चा घर हो गया, जितना भी ये टेंट वाला हुआ, एस्बेस्टस वाला हुआ, ये सब कच्चा हाउस हो गया, जो खपरेला वाला है वो सब, उसको बनाने में खर्च बहुत नहीं है, और जैसा है कि वो अगर फिर से खराब होता है उसको आसानी से बना सकते हैं। और कंक्रीट का घर हो गया, जो पक्का हाउस हो गया, परमानेंट घर हो गया आपका, बनाने में खर्च तो है लेकिन काफी दिनों तक उसको रख सकते हैं, और हर तरह का जो प्राकृतिक आपदा है, किसी भी तरह का जो वो है ना, तो एक भूकंप को छोड़ के भूकंप में कोई भी घर टूट जाएगा तो वो झेल पाता है ऐसा। तो ये इस टाइप का, हाँ इस टाइप का घर होता है। और जहाँ पे जैसे इग्लू का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, जहाँ बहुत हमेशा हाँ मैम, बर्फ बर्फ पड़ा वाला रहता घर। है, हाँ, तो वहाँ पे इग्लू बनाते हैं। इग्लू जैसा घर होता है जो चारों तरफ से बर्फ का ही बना होता है, बस एक आने और जाने का उसमें एक दरवाजा होता है ठंडे से बचने के लिए, वैसा ही। और वो बर्फ का नहीं बनाएंगे तो वो तो बन नहीं पाएगा ना, वहाँ पे पिघल जाएगा, तो बर्फ ही बर्फ पूरे साल रहता है। जैसे कि ध्रुव जो है हमारा है ना, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव हेमिस्फेयर के पास, तो वैसे जगह पे बनाते हैं। वहां के जानवर भी वैसे होते हैं कि वो बर्फ के अंदर ही घुसे रहते हैं, और वही जो छोटे छोटे हैं जानवर तो उनको खाते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या जो भी है मछलियां उसको खाते हैं। उनका बॉडी का ऐसा रहता है ना कि ऊपर से गर्मी काफी रखते हैं, उनका मोटा मोटा लेयर्स होता है बॉडी के ऊपर, वो स्किन जो है उसके नीचे ऐसा उनका बॉडी कंट्रोल करने, टेम्परेचर का उनका क्षमता होता है, उस हैबिटेट में वो अडेप्ट कर लिए हैं वैसा। और हमारे यहाँ देखो जैसे जानवर है, कोई भी जानवर हमारे गर्मी के इलाके में, तो उनको हमको पानी देना पड़ता है, आपके वहां भी होंगे गाय भैंस सब कुछ, उनको गर्मी होगी तो पानी पिलाना पड़ेगा, उनको रखने के लिए ऐसा घर देना पड़ता है। और हमारे वहाँ के जैसे सिंपल देसी जो जानवर है वो बहुत ज्यादा दूध नहीं देते हैं, वो काम करने के लिए। अब उधर देखो राजस्थान में ऊंट होता है, ऊंट भी उसी हैबिटेट में अपने आप को अडेप्ट किया, उसका जो पैर है, पैर में उसका ऐसा बना रहता है गद्देदार स्पॉन्जी होता है कि वो बालू पे चल सके,
बालू पे आराम से चल सकता है, बालू ही होता है वहां पे, खाली सैंड सैंड होता है, तो उसपे उसको भार लेके चलना पड़ता है, बहुत बहुत वजन लेके चलना पड़ता है। और वहां पर भी ना टेंट बना के बहुत सारे लोग रहते हैं, क्योंकि वो ऐसा चलते हैं अपना एक ग्रुप में हमेशा चलते हैं, एक ऐसा टेंट बनाया कारवा टाइप का उनका रहता है, उसमें टेंट हाउस बनाते हैं और वो फिर उसपे रहे कुछ दिन, फिर वहां पे अपना कुछ किया, प्रोडक्ट्स कुछ बनाते हैं उसको बेचते हैं, ऊंट पे सारा लादा, फिर वहां से वो आराम से अपना टेंट उठाए और फिर दूसरे जगह जाके लगा लिया। आप कभी कभी शहर में भी देखते होंगे, आते हैं ना कहीं कहीं के, वो कुछ देसी दवाई बेचते हैं या कुछ, वो भी उसी टाइप का टेम्पररी घर लगाते हैं और फिर अपना दूसरे जगह चले गए। उसी तरह कश्मीर में है कि ये बोट हाउस बना करके रहते हैं, जो पानी पे बना रहता है, पानी के ऊपर ही सारा घर, एक बोट है, बोट के अंदर ही सारा घर है, और उस पर टूरिस्ट जाते हैं या वो सबको सैर कराने के लिए जाते हैं, बोट के अंदर सारा कुछ बना के रखे। तो एक वो बोट हाउस हो गया, टेंट हाउस हो गया, फिर इधर पे हमारा ये बहुमंजिली इमारत है जिसको अपार्टमेंट्स बोलते हैं या फ्लैट्स बोलते हैं, वो सारे बड़े बड़े शहरों में, अब छोटे शहरों में भी होने लगा है। जगह की कमी के कारण हम लोगों ने भी अडेप्ट कर लिया है कि हम एक ही मकान में बहुत सारे लोग, बहुत सारी फैमिलीज फ्लैट फ्लैट बना करके रहेंगे। इस तरह से गांव में तो सबके घर बड़े होते हैं, एक आदमी का एक ही घर होता होगा, है ना, एक आदमी का एक घर होता है, किसी किसी का दो घर भी होता है, जानवरों के लिए भी अलग एक घर हो जाता है, लेकिन शहर में तो वो सुविधा है नहीं। आपके गांव में गीता जी क्या है, एक परिवार का एक एक घर है कि किसी का दो परिवार एक घर में भी रहते हैं? हाँ, मतलब अभी बहुत सारे ज्वाइंट फैमिली भी हैं, तो वो लोग एक परिवार का एक घर में भी रहते हैं, बहुत सारे दो परिवार का एक घर में भी रहते हैं। लेकिन अभी है कि अच्छा बहुत सारे है कि पहले हमारे यहाँ पे अभी अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है पक्का घर कंक्रीट वाला बनने का, नहीं तो पहले अच्छा सभी का मट्टी वाला ही जो कच्चा मकान है वही रहता है, और उसी को उसी में जब परिवार बढ़ जाते हैं तो अगला पीढ़ी जो आता है वो अब मिट्टी वाला अब नहीं बनाता है, अब जो अगला पीढ़ी जो आता है वो कंक्रीट वाला ही बनाता है। हाँ, फ्यूचर को देखते हुए लॉन्ग लास्टिंग घर बना रहे हैं सभी लोग, की ज्यादा दिन तक उसमें सुरक्षित रहे, सब कुछ रहे। नहीं, एक फैमिली जैसे ज्वाइंट फैमिली तो रहती है, लेकिन फिर भी अगर एक लोगों का एक घर हो जाता है, उसके भाई है, चार भाई है, दो भाई है, तो वो तो एक घर में रहेंगे। तो शहर में तो अलग अलग फैमिली ही का लंबे घरों में रहना, ऐसा अपार्टमेंट में ऊपर नीचे ऐसे करके रहते हैं, तो जगह की कमी के कारण ऐसा हो जाता है। और ये हमारे वहां भी देखो, यहाँ पे हमारे सभी यहाँ का अलग टाइप, तो एक हमारे गांव में एक कमरा हो या दो कमरा हो, भाई भाई में सब अपना सेपरेट सेपरेट ही बना लेता है। और हमारे यहाँ देखो कि ऐसे जो जानवर भी है अपने वातावरण को, वातावरण के साथ अडेप्ट कर लिए हैं, तो हमारे यहाँ अलग जानवर है। फिर मतलब मैदानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में देखो, जो जानवर चढ़ सके, ऊंचाई पे थोड़ा चढ़ सके, पत्थर पे चल सके, बालू पे चढ़ सके, उस हिसाब से उनका जो पैर का है या फिर उनका भार ढोने का क्षमता है, वो भी उसी तरह से बना हुआ है। अगर हमारे यहाँ के ऐसा ना गाय को ले जाके हम उधर रखाएंगे पहाड़ पे, तो उस तरह से वो दूध नहीं देंगी या कुछ ऐसा नहीं कर पाएंगी। उधर के याक को हम इधर इतना टेम्परेचर, वो नहीं, इतना कम टेम्परेचर में सरवाइव नहीं कर सकेगा। उधर के याक को हम इधर ला करके रख देंगे तो इधर का गर्मी नहीं सह पाएगा। ऊंट है कि वो रह जाता है सभी जगह, वो ऊंट का भी देखो कि इतना सारा पानी एक बार पेट में स्टोर करके रहता है, वो अपना रख लेता है, उसको लंबा लंबा चलना है। तो जानवर भी ऐसे ही रहते हैं, और इंसान का भी वही है कि जिस वातावरण में रहता है ना, उसको घर भी वैसा चाहिए, उसको घर उसी टाइप का रहने का चाहिए कि जिस वातावरण में रह रहा है। और उसके साथ साथ जितने भी, इवन हमारा जो पेड़ पौधा है, जो हम फसल भी लगाते हैं, तो हमारा जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिस हैबिटेट में, वहां का प्लांट्स भी उसी टाइप का ग्रो कर सकते हैं। अगर हम गेहूं पहाड़ों में जाके लगाएंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि गेहूं को चाहिए बहुत सारा पानी चाहिए और उसको तापमान भी चाहिए, टेम्परेचर भी चाहिए। पहाड़ों में अलग फसल लगाते हैं। गीता जी, आप ये सब अपने बच्चों को पढ़ाती तो होंगी ना, आप क्या 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 फसल लगाते हैं इधर, मतलब आप तो झारखंड की है तो क्या क्या फसल लगाते हैं? हमारे यहाँ तो आपका
रबी वाला और खरीफ वाला, वो मतलब अच्छा वो ज्यादा होता है, जेठ वाला जो गर्मी वाला जो होता है वो कम मात्रा में किया हाँ जाता है, क्योंकि हमारा एरिया भी पठारी वाला ही है तो पानी वाला थोड़ा सा दिक्कत है। अच्छा, तो अभी इसलिए जो रबी का शायद आप लोग, आपके यस यहाँ मैम, गेहूं का फसल ज्यादा नहीं हो पाता होगा ना, क्योंकि आपके यहाँ सिंचाई का दिक्कत है, सिंचाई पानी का दिक्कत है, यहाँ पे नहीं हो पाता होगा। गेहूं होता है अच्छे से खरीफ में, सॉरी रबी नहीं में? होता है मैम, हमारे यहाँ अधिकतर लोग धान का ही खेती करते हैं जो वर्षा पे डिपेंड करता हाँ, है। क्योंकि जिनके यहाँ बारिश हो कुआं का जाती है सुविधा अच्छी। है वो, हाँ, हाँ बारिश जिनके अच्छी पास हो जाती कुआं का है आपके सुविधा यहाँ है तो। या तालाब का सुविधा है तो वो लोग आपका बरसात वाला या पानी वाला जो खेती है वो करते हैं, लेकिन गेहूं बहुत कम ही मात्रा में होता है। हमारे एरिया में तो हमको लगता है, मेरा मेरा गांव में एक या दो ही लोगों ने, लगभग 300 परिवार का घर है, एक या दो लोग ही की गेहूं लगाए होंगे। हाँ, तो ये भी वातावरण के कारण हैबिटेट ही ऐसा है, क्योंकि हमारे इधर आपके यहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है प्रॉपर सुविधा, तो गेहूं लगाएंगे तो मर जाएगा। सब्जियां आप लोग के यहाँ ज्यादा, ऐसे पठारी क्षेत्र में ज्यादा सब्जियां अच्छी हो जाती है, पर वो सिंचाई का व्यवस्था है उनके पास, और बोलो तो ये प्लांट सर्वाइव कर जाते हैं। वैसे ही फूलों का भी, और बहुत सारे इधर देखो जंगल इसलिए यहाँ पे इतना ज्यादा है क्योंकि बारिश अच्छी होती है तो पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं। बिहार में आप थोड़ा सा इधर से ही जाओगे, कोडरमा से आगे ऐसे जाओगे तो जो लैंडस्केप है वो पूरा बदला हुआ दिखता है। वहां पे इतने घने जंगल लेंगे, इतने पेड़ मिलेंगे नहीं, बारिश यहाँ से कॉम्परेटिवली कम होती है। वहां का जो जमीन है, मतलब लैंड, वो भी डिफरेंट टाइप का है, तो इसलिए एकदम आपको ताड़ के पेड़ ज्यादा दिखेंगे, इधर उतने घने जंगल दिखेंगे नहीं। तो ये सब हैबिटेट ही है कि प्लांट भी अडेप्ट कर रहा है, एनिमल भी अडेप्ट कर रहा है, और ह्यूमन तो आदमी तो मतलब इंसान तो किया ही किया है, तो अपने सिचुएशन के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से सब चीजों को कैसे अपने आप को चेंज कर लेते हैं ना, जो हमारा जरूरत है, जो हमारे बॉडी के लिए और आसपास के लिए जैसा है हम उसको ढाल लेते हैं। धीरे 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 वो चीजें बदलती है, अचानक से नहीं। अगर हम कोई पहाड़ी पौधा को ला करके इधर लगा लेते हैं, इधर मैदानी भाग में या इधर, तो वो उस तरह से नहीं ग्रो करेगा। आप देखो यही पे ना वो स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं, बहुत करना थोड़ा सुटेबल हुआ है, यहाँ का क्लाइमेट तो करना शुरू किया है, लेकिन जहाँ प्रॉपर उसका खेती होता है, जो क्लाइमेट वहाँ के लिए फेवरेबल है, तो उस तरह का यहाँ पे नहीं होता होगा शुरू में। साइज में छोटा होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको मिल जाएगा। चाय की खेती जहाँ पे होती है वहाँ के हैबिटेट एकदम सुटेबल है वहाँ के लिए, इधर पे करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। धीरे धीरे करना शुरू किया है लोग, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं थोड़ा ऐसा करने के लिए। कीवी उधर नॉर्थ ईस्ट में लगा रहे हैं, मिजोरम मेघालय की तरफ, तो पहले तो बाहर से आता था तो देखना ये कीवी का साइज वैसा नहीं होगा, वो खट्टा होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा जो बाहर से आते हैं उससे। ये सब कुछ है कि वो पूरा वहां का सारा वातावरण, उसका हैबिटेट उसके पूरा अनुकूल नहीं है, तो इसीलिए हर प्लांट एनिमल और जितने भी उसके आसपास के ऑर्गेनिज्म है ना, सब अपना हैबिटेट एक क्रिएट करते हैं, जो अडेप्ट करते हैं धीरे धीरे चीजों को, और वैसे ग्रेजुअली अपना बन जाता है उनका सही मॉडल। और घर का जहां तक है तो अब तो ज्यादा जगह पे ऐसा ना ये पक्का घर ही बना रहे हैं, लेकिन फिर भी जो जहां पर एकदम प्रॉपर है कि वो उनका गांव है या पहाड़ है, तो वो पक्का घर बनाएंगे, तो जब वहां पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक होता है तो पक्का घर भी बनाते हैं, तो उस तरह से बना रहे हैं कि वो उस भूकंप को झेल सके। तो वैसे ही आपके यहाँ भी, इधर तो थोड़ा ये प्लेटू एरिया है ना, तो भूकंप का कम खतरा है, लेकिन वहां पे ऐसा है तो ऐसे ही बनाते हैं। गीता जी को और कुछ पूछना है? नो मैम, तो स्नेहा मैडम, आज का और भी कुछ, घर के बारे में तो बता दिया और हैबिटेट के बारे में, और भी क्या कुछ और डिस्कस करना है क्या?
रोजी जी, आप थोड़ा सा लेट से ज्वाइन की थी तो आपको समझ में आ गया है। रोजी जी, आवाज आ रही है? यस मैम। आपको मैम ने जो भी समझाया कि किस तरह के घर होते हैं, क्यों ऐसे होते हैं, तो वो समझ में आ गया आपको? कुछ यस मैम। वो भी डाउट है? तो गीता, नहीं कुछ नहीं, गीता मैम भी तो समझाई उधर से अपना तरफ से। यस हाँ, नहीं, आपको भी जो भी कुछ समझ में आता है, अगर कुछ भी डाउट है कि मैम वहां पे ऐसा घर क्यों होता है, ऐसा है, तो आप पूछ सकती हैं। अभी हमारे पास 7-8 मिनट है, ठीक है? तो ये छोटा सा यस टॉपिक था, तो इसमें इसमें डाउट मत रखिएगा, ठीक है? अब या आप यस मैम, अपना एक्सपीरियंस, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपके एरिया में किस टाइप के घर है, या क्या आपका वहाँ का हैबिटेट है, वातावरण आप की भाषा में जो भी, कैसे है वहाँ के जानवर, कैसे हैं घर, किस टाइप के हैं। तो किस तरह के घर हैं, ठीक है? मैं मतलब कहने का मतलब यही हुआ मैम कि जैसा वातावरण रहता है वो बारे वातावरण के अनुकूल ही वहां के लोगों ने घर बनवाया है। हाँ, वातावरण के हिसाब से ही घर बनवाए, जो उन्हें हर हर मौसम में हर तरह का सुविधा हो उस घर में रहकर, तो वो सोच समझ के ही वैसा बनाते हैं घर को। हमारे यहाँ तो ऐसे बोला जाए तो कच्चा घर और पक्का घर दोनों है। तो हमारे बेसिकली अच्छा, ग्रामीण इलाके से सभी तो बिलोंग करते हैं, तो अगर गर्मी का दिन में अगर रहते भी हैं पक्का घर पे, तो अगर कुछ वैसा टिकाऊ वाला सब्जी जैसे उगाते हैं, जैसे प्याज हो गया या आलू हो गया, तो उसको ले जाके फिर से कच्चा वाला घर है वहीं पे रखते हैं, ताकि वहां पे जो टेम्परेचर रहता है वो कम रहता है, तो वो सड़ता नहीं है। तो देखिए ये आपको भी महसूस होता है ना, कच्चा घर में रहना, जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है वहां पे यस कच्चा घर मैम, में इंसान क्या, सब्जियों को भी अच्छा लगता है रहना और इंसान को भी अच्छा यस लगता मैम, होगा कच्चे घर में रहना। यस, लेकिन हम लोग, हाँ हाँ अभी हम लोग बनाने लगे हैं पक्का घर अपनी सुविधा के लिए, कि जहाँ हर कुछ वहाँ पे हमारा अवेलेबल रहे, थोड़ा आराम रहे, इसलिए। अभी हाँ जैसे मतलब कच्चा एक घर समय में, ऐसा होता हाँ थोड़ा वो टूट फूट जाता है, तो उसको बार बार रिपेयर करना होता है। इसमें है कि एक बार बन गया तो बन गया, बस है ना कि एक बन बार गया, बस हाँ आप सब होता है। बस आज के वही है। समय में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ है, फैन चल रहा है, ये तो वो इसलिए धीरे धीरे चीजें चेंज होते गई। पहले ये सब नहीं था, हाँ तो कच्चे हाउस में कोल्ड स्टोरेज इसीलिए बना कि सब्जियों के लिए, तो ये सब करते हुए। हाँ और यस, खिड़कियां भी छोटी ये छोटी होती थी भाई, कि अगर धूप लगाना है तो बाहर जाके बैठो खिड़कियों के अंदर, तो ज्यादा हवा ना आए, कि गर्मी ना ज्यादा कर देना, ठंड ज्यादा हो, तो वही है। और आपके यहाँ क्या जानवर रखते हैं, एनिमल्स रखते हैं क्या यस मैम, रोजी हमारा जी? इधर यस बगल में थोड़ा सा पठारी इलाका है, तो मतलब चरवाहा के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है चराने के लिए, तो सभी को बकरी अच्छा, वगैरह, गाय, कुछ लोगों ने भेड़ भी रखा हुआ है, तो वो सब ही है यहाँ। तो वो भी देखो आप, क्योंकि उनके लिए अच्छा से घास अवेलेबल हो जाता है, आप बाहर भी छोड़ देते हो गए ना, तो वो घास उनका है जो खा सकते हैं, इसलिए आप लोग अच्छा से रख पाते हैं एनिमल्स। वही अब बिहार में जाओगे यस तो भेड़ वर उतना नहीं रखेंगे, उसको पूरा ऐसा ग्रुप में लेके चलते हैं ना, तो थोड़ा पहाड़ का घास ऐसे छोड़ देते हैं आराम से, और वो खा लेते हैं। और वहां पे क्या ना, जो हमारा घर में डोमेस्टिक एनिमल है जिसको पाल सकते हैं वही रखते हैं, घोड़ा रखते हैं, थोड़ा बहुत घोड़ा रखते हैं, ये सब अपना दूध के लिए रखा, तो वही वहां के दूध में भी, वो जो दूध देते हैं ना उसमें भी फर्क हो जाता है, कि क्या उन्हें खिलाया, किस वातावरण में रहे, और फिर पहाड़ों के पठार और जो भी आपके ऐसा समतल मैदान वाले, उसमें भी फर्क हो जाता है उनका, जो जानवर है रखते हैं उनको। ऐसे तो उनका ब्रीड पर भी, जो कौन सा ब्रीड रखा है उसपे भी है, लेकिन फिर भी अगर वो सेम ब्रीड का रखा गया ना, तो उसका भी हैबिटेट का, उसका एनवायरनमेंट का, उसके पर फर्क पड़ता है।
जो यील्ड देता है, मतलब जो आपको दूध देगा या कुछ भी, ऐसे तो ये फर्क पड़ता है। तो किन्हीं का कोई और सवाल रोजी पूछिए। जी, कुछ भी पूछना है? रोजी जी, नहीं, सब कंफर्म हो गया ठीक है, सर। अगर कुछ अच्छा, सब भी क्लियर हो बाद गया। में, अगर वीडियो देखने के बाद या जब आप बच्चे को पढ़ाएंगी उसमें बच्चा कुछ ऐसा पूछे या कुछ भी अगर ऐसा डाउट आता है तो उसको नोट करके रखिएगा। हमारी जब भी मैम के साथ दूसरी क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास होगी, तो आप अपने डाउट को क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है। और अभी आज तो पता नहीं हमारे बाकी साथी क्यों नहीं जुड़ पाए, पिछले दिनों कुछ क्लासेस नहीं हुई हैं इसलिए लगता है सब लोग मिस कर गए। तो यही रिक्वेस्ट है कि हमारी जब भी क्लास हो तो आप लोग थोड़ा समय पे जुड़ जाएं। ठीक ओके, ठीक है। आज कुछ कुछ नेटवर्क इशू भी था, रोजी जी का कनेक्ट नहीं हो रहा था, कुछ इशू था, तो नेक्स्ट टाइम हाँ, थोड़ा जल्दी। तो ठीक है मैम, यस बहुत अच्छा रहा, सबके डाउट्स क्लियर हो गए, हम लोग सबको समझ में आ गया, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू, हम सभी ज्ञानदूत की तरफ से, ISDG फाउंडेशन की तरफ से, कि आज संडे बिजी बिजी होने के बाद भी मैम ने समय निकाला। ठीक है, मेरा भी, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप सबसे कनेक्ट होके। आप सब अपना ऐसे ही जारी रखें, ज्ञान, सारे ज्ञान दूतों को मेरी तरफ से शुभकामना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, हम सब उसमें साथ रहे आपके, ये हमारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू तो अब रोजी मीटिंग जी, एंड ठीक करें। यस है मैम, ठीक है, ठीक, मैम। थैंक यू। सुरक्षा।